हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो क्या हाल है आप लोगों का? तो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा पीसी में एक प्रॉब्लम आ रही है कि सेटअप इज डिटेक्टेड दैट अनइंस्टॉल शीट इज नॉट यूज, ऐसा करके प्रॉब्लम आ रही है जिससे कि आप जो कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो, जैसे कि एडोब फोटोशॉप सेम्पल में इंस्टॉल करना चाहते हो तो हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो, एरर कोड आ रहा है। तो आपको इसे कैसे फिक्स करना है वही आज के इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे क्लिक कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है ना गाइस, सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले सब कुछ यहाँ पर क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको थोड़ा दो तीन बार यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना है, और रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो फाइल मैनेजर है उसे आपको ओपन करना है। तो फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद डिस्क पीसी पे जाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि लोकल डिस्क जो आपका सी ड्राइव होती है ना, उसी सी ड्राइव को आपको ओपन करना है। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो मैंने जो सी ड्राइव ओपन कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है विंडोज़ पर क्लिक करना है। और विंडोज़ पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या करना है ना गाइस, एकदम नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करते रहना है, और नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करते रहोगे और इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा गाइस, यहाँ पर देखो इज इनस्ट करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो इसी को आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो एप्लीकेशन है आपको सीधे ये फाइल को आपको डिलीट कर देना है, ये एप्लीकेशन है इसे एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है। और जैसे ही आप ये जो एप्लीकेशन आप डिलीट कर लोगे ना गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सीधा यहाँ पर सब कुछ और एक बार आपको कट कर देना है। तो मैं सबसे पहले पूरा यहाँ पर कट कर देता हूँ, उसके बाद आपको क्या रिफ्रेश कर देना है एक दो बार, और अगर चाहते तो ये रिसाइकल बिन को भी आप क्लियर कर सकते हो। तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन पे जाना है, आपको फाइल मैनेजर पे जाना है, डिस्क पीसी पे जाना है, उसके बाद आपका जो आपने जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो उसी एप्लीकेशन पे जाना है, उसके बाद सेटअप पे जाना है, और उसके बाद आपको ये यस करके आप जो कोई भी एप्लीकेशन आ गया इंस्टॉल करना चाहते हो, सेटअप करना चाहते हो तो इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आपके सामने ये जो एरर आ रहा है ना, ये एरर अब ये पर फिक्स हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई भी एरर कोड आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम 100% जेन्युइन ट्रिक है, आप ये पर अपना कर जरूर देखना। तो गाइस, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर इस चैनल पर नए हो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।